नमस्कार मित्रों, वेलकम टू नव भारत समाचार। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा शख्सियत है, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जिसको कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और हमारे साथ मौजूद है जो लगभग मेरे ख्याल से 60 से 70 फिल्म की निर्देशक और प्रोडक्शन और क्या कुछ नहीं करे, और उनकी काफी बड़ी नाम है, और अभी हाल ही में वो हैदराबाद में है, तो वो शख्सियत को हम देखेंगे और उनके साथ परिचय और वार्तालाप भी करेंगे। नमस्कार केसी गोखले साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सर। आदाब। कैसे लग रहा हैदराबाद हमारा? हैदराबाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड है बॉस, इसलिए तो हमने एक फिल्म बना दी हैदराबाद पे, और हैदराबाद का तो बात ही अलग है सर। बट अच्छा लगा मुझे लोगों से मिलके और उनके साथ काम करने के बाद, मुझे सिंसियरली इसका रियली बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आप चेन्नई रहते हैं, काफी बड़ा बिजनेस है आप चेन्नई में, और बिजनेसमैन का सिनेमा का कनेक्शन कहाँ से शुरू हुई है, आपका एंट्री कहाँ से आई है सिनेमा? सर मैं तो मतलब मुझे तो बिजनेस देखा ही नहीं, मैं तो जब से सोच संभाले मैंने तब से फिल्म लाइन से ही शुरू हो गया। मैं आई वॉज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री 1973 में, दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म। संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, रिवाज, मैं नहीं समझता हूँ आप पैदा भी हुए होंगे। नहीं हुआ। दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म। देन आई डिड चुनौती विद फिरोज खान, नीतू सिंह, धर्मेंद्र। देन started BMB production, that my parental father's name company. First picture was Pyar Jhukta Nahi, which released in 1985. Teri Meherbaniya, Naseeb Apna Apna, Kudrat Ka Kanoon. Line se one after one hit ho dete gaye with the grace of God. Then bas wahan se chala gaya, aaj itna bada safar ho gaya, aap samajhte ho more than 55-60 film bani hogi. 50 तक तो काउंट करता है। सिनेमा एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिल्म बनाने वाले बहुत काफी लोग हैदराबाद में भी आते हैं, मुंबई जाते हैं, हॉलीवुड भी जाते हैं, काफी प्रयत्न करते हैं, एफर्ट मारते हैं, एक नहीं दो नहीं 55 या 60 फिल्म कैसे मुमकिन हुआ है हर चीज? सिंसियरिटी है सर, इफ यू आर सिंसियर, अगर आप ईमानदारी से अपने काम को काम की तरह करें और उसको मतलब फिल्म लाइन में तो स्पेशली ग्लैमर की लाइन है, और यहाँ तो लोग काम करने कम आते हैं, या आप दूसरे हिसाब से आते हैं मौज मस्ती और ग्लैमर की दुनिया में रहने के लिए, तो उनके लिए मुश्किल है। मैं तो जिस आदमी की काम पूजा है, जिसने मतलब सिवाय काम के मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मुझे मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था। मेरा शुरुआत ही फिल्म से हुआ, और मैं समझता हूँ मैं मरूंगा जब तक भी फिल्म ही रहेगी, तो कोई दिक्कत। आप काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, और अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुके हैं, how was the experience with the big b? actually that was my first debut film as a director. main matlab some of my production manager told me ki bukhari sahab bachchan sahab ko sign karte hain, main kya yaar kisi ko bhi karu main, but main dubey ji main kisi actor ke paas jaake baat wait nahi karunga, matlab meri nature nahi, I am comfortable with mithun chakravarti, dharmendra and jackie shroff, whatever they are. ab mujhe bol rahe hain main chalta hu bachchan sahab ke paas, but मैं मतलब मुझे बाहर मत बिठाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है सर। तो गए मैं मिस्टर बच्चन साहब से मिले, और दो मिनट में मेरी नेचर है सर, मैं मतलब बिना मतलब कि बिल्डअप नहीं करता, लोगों की आदत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है नहीं, वो नहीं लोगों की आदत है, लोग गलत फहमी में ज्यादा रहते हैं कि अभी मैं रहता हूँ गलत फहमी में, मैंने भाई साहब को राजू जी को कन्विंस कर दिया, या गौतम जी को कर दिया, या बच्चन साहब को कर दिया, या मैंने अपने स्टाइल से कन्विंस कर दिया, मैं इस गलत फहमी में नहीं रहता हूँ। मुझे मालूम है मुझसे ज्यादा होशियार मेरा सामने वाला है, तो इसलिए ज्यादा वाई टू वेस्ट द एनर्जी, अननेसेसरी बिल्डअप क्या करना। हमने दो मिनट बात की कि सर आपके साथ फिल्म करने की इच्छा है, अगर आप करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो बच्चन साहब के मुखड़ा साहब, इट्स अ प्लेजर टू वर्क, आई एम हैप्पी सर, बताइए कैसे करना है। उसी वक्त उनका सेक्रेटरी पूछा, उसको बेटा अभी वो जो उनके नडियाड वाला था जो सेक्रेटरी था, मैंने पूछा कितने पैसे लेंगे, तो वह मेरा बम्बई में क्या सर, मेरा नाम थोड़ा ही एक्टों में ऐसा था कि बुकाड़िया जी पैसा ज़्यादा देते हैं, बेर उल्टा है, मैं साला मारवाड़ी आदमी, मैं 10 रुपए की चाय भी सोच के पीता हूँ, तो मैं क्यों पैसा ज़्यादा दूंगा। लेकिन उनको लगता है एक्टरों का क्या आलम था कि अब जैसे धर्म जी के हमें था, अभी धर्म जी अभी 15 लाख में साइन किए, तो बोले यार बुकाड़िया साहब 12-18 बोलना, मैं कि 25 बोलो सर, मेरा क्या बिगड़ता है, लेना देना तो मुझे। तो अभी दूसरा प्रोड्यूसर आया तो उसने धर्मेंद्र जी ने बोला अभी देख बुकाड़िया साहब गए 25 लाख रुपए में ओके करके गया, तो मेरा नाम ऐसे थोड़ा यूँ था कि बुकाड़िया जी पैसा ज़्यादा देते हैं। तो उसका सेक्रेटरी बच्चन साहब 70 लाख रुपया लेते थे,
तो उसने मुझे 60 लेते थे 70, तो मुझे उसको मालूम था, उसने कहा 80 लाख रुपया। तो मैं सर मारवाड़ी आदमी, मैं थोड़ा सड़की भी थोड़ा, मैं यार आपका एक्टर अभी लाख में ही है क्या, यू अंडरस्टैंड हिंदी सर, आपका एक्टर अभी लाख में ही है क्या, 80 लाख? मैं क्या, अमिताभ बच्चन का प्राइस 1 करोड़ रुपया, अब ये कोई आदमी है, कोई एक्टर मांगे 100 रुपया और उसको प्रोड्यूसर बोले मैं 200 दूंगा तो एक्टर तो हिल जाएगा ना एक बार। तो जाके मुझे बोला कि वो 70 का 80 लेता हूँ। मैं पता नहीं किस धमकी में था, मैं क्या यार अमिताभ बच्चन की प्राइस 1 करोड़ रुपया, खूब पेपरों में छपा अमिताभ बच्चन को केसी बोकड़ा ने 1 करोड़ रुपया दिया, ये हकीकत है। बच्चन साहब को तो पहला करोड़ बच्चन साहब की मार्केटिंग भी हो गई। नहीं, मार्केटिंग नहीं हुई है, बच्चन साहब ग्रेट आदमी है सर। आज मतलब उस वक्त तो हम लोग पिक्चर किए और उन्होंने बोला कि मैं पहली पिक्चर आई एम डूइंग वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट नो डायरेक्टर। मैं बोला बच्चन साहब आप हाथों भरो, फिर आई नो कि अमिताभ बच्चन जी से लोगों को क्या चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट ढूंढू, जब आप हो ही नहीं तो आप वाला सब्जेक्ट तो कोई और कर ही नहीं सकता, तो इस चक्कर में आप बेफिक्र है सब्जेक्ट एंड डायरेक्टर। He said me, my first film I have signed where there is no subject and no director. उसके बाद में सर वो इधर उधर सब्जेक्ट सुना सुनू के ओके किया, फिर डायरेक्टर का मैंने 3-4 डायरेक्टर का नाम लिया जो उनके साथ काम कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने नहीं बोला, मेरे स्टाफ ने बोला बुकाड़े जी आप डायरेक्ट कर लो। मैंने धीरे से बोला सर अगर आपका एतराज नहीं हो तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। नो नो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई बिकेम डायरेक्टर यार, आई यूज टू चार्ज 1 करोड़ रुपीज आउट साइड। अमिताभ बच्चन जी कोई बच्चा नहीं है, अमिताभ तो दूर की बात रही, छोटे से छोटा एक्टर भी नहीं करता जब तक कोई नहीं हो। इट वॉज माई हिस्ट्री, 20 पिक्चर 15 पिक्चर लाइन से हिट था और देर बाद ओनली केसी बोकड़िया, किसी को पता ही नहीं होता था कौन डायरेक्टर है, बोकड़िया जी की पिक्चर है बस, बोकड़िया जी की पिक्चर, ये बोल के चले जाते थे। तो 70 के दशक से 80 90 अभी 2000 हाल ही में मिलेनियल बोलते हैं, फर्क क्या देख रहे हैं अब सिनेमा में? सर मुझे तो कुछ अपने लिए तो अपने में तो कुछ फर्क है नहीं, और मुझे तो कुछ फर्क है नहीं, फर्क होगा कैसे? रोटी को रोटी बोलेंगे, चाय को चाय बोलेंगे, कप अलग हो सकता है, पैकिंग अलग हो सकती है, मटेरियल तो सेम है, सब्जेक्ट तो सेम है, वही इमोशन है, वही माँ है, वही आपकी कोई कनेक्टेड लड़की का कोई रैप हो गया, कुछ लफड़ा हो गया फैमिली में, रिवेंज वही रिवेंज है। आज जिमी जीप आ गया, कैमरे के लेंस बदल गए, कैमरे की टेक्निकली चीजें बदल गई। आप अगर इमोशन से छोड़ के जाओगे, भाई को भाई बोलना पड़ेगा, बहन को बहन बोलना पड़ेगा, तो मैं आई डोंट बिलीव इन दिस। पीपल आर टेलिंग ना ट्रेंड बदल गया, अरे ट्रेंड क्या चेंज हो गया यार, हम तो हम बोल रहे हैं हम बदल गए, हम कहाँ बदले, हम सबको नमस्ते को नमस्ते ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, वो तो नहीं बदला। अब गुड मॉर्निंग दिन में तो कोई किसी आदमी को बोलते हुए नहीं सुना है, गुड नाइट दिन में मॉर्निंग ही बोलता है। तो फिल्म भी सेम ही है, ये लोगों का धोखा है, भरम है कि ट्रेंड चेंज हो गया, कुछ ट्रेंड वेंड सेम है सर, पैकिंग चेंज हो गया वो आप बोलिए, आज प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। आजकल के दौर में OTT प्लेटफॉर्म ज्यादा हो गए या वेब व्यूअरशिप ज्यादा हो गए, मैं तो सर आई एम नॉट श्योर, सर वो तो आना है, एनी डिफरेंस दैट यू सी? नो सर, दैट इज पार्ट ऑफ, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है। पहले आप नॉर्मल से सिनेमा स्कोप आया, फिर 70mm आ गया, अभी 70mm से समेट के इंडस्ट्री फोन पे आ गई। तो ये तो ये दैट इज टेक्निक है, बट उनको भी जो कंटेंट चाहिए वो तो चाहिए ना, इंडियन कंटेंट ही चाहिए, देखने वाली ऑडियंस तो सेम ही है, पर ये दिस यू कांट हेल्प इट सर, दिस विल बी देयर। 70mm से वापस आपका क्या राय है, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी अभी आई है मूवी व्यूअर्स और व्यूअर्स में, जो मूवी अभी घर बैठ के मोबाइल पे कहीं डॉलर पे करके देख सकते हैं, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? वो अब वो सर यू कांट स्टॉप इट, दैट इज यू हैव टू चेंज, दैट वी हैव चेंज आवरसेल्फ आल्सो। हमको भी मालूम है आज इतना बड़ा बजट कैसे कवर करना, हमको भी मालूम है आज थिएटर से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक से है, इलेक्ट्रॉनिक मीन सेटेलाइट से है या वेब से है, जिससे भी आप बोलते हैं, इंटरनेट से, यूट्यूब से, इससे, तो नेटफ्लिक्स, ये सब तो हम लोगों को भी वो कंसिडर तो वही है। आज थिएटर तो थोड़ा धीरे धीरे हट जाएगा, सब जाके इस पर आ जाएगा। अभी तो आप देखो ये रिलायंस वाले लेके आ रहे हैं, तो आप फर्स्ट शो आपके घर में दिखाएंगे आपके टीवी को, जिस दिन 1 करोड़ आदमी एक दिन घर में देखेगा, 10 रुपया भी हमको प्रोड्यूसर को मिला तो 10 करोड़ रेवेन्यू तो फर्स्ट डे आ गया। दैट इज बेटर है जमाने, वो देर आई एग्री विथ यू कि चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, बोलने का तरीका चेंज, बोलने का अंदाज मैटर तो सेम ही रहेगा सर। और आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑनेस्ट स्पीकिंग, मैं कल भी था आज भी था,
और वहां से आप देखो मैं हिंदी से समेट के आगे अभी आई एम डूइंग ऑल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री ऑल रीजनल कमिंग टू ऑल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. आपने कम से कम 7 या 8 लैंग्वेजेस में यस या आई एम डूइंग सर आई एम डूइंग हमारे तेलुगु के डी रामानायडू जी है जो काफी लैंग्वेजेस में रामानायडू वाज ग्रेट. वो तो देखो सर ही वाज ग्रेट पर्सन और रामानायडू जी का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है. वो तो इंस्टीट्यूट है अपने आप में. अभी मेरी पिक्चर जो हमने बनाई है वो रामा नायडू जी के लड़के सुरेश नायडू जी से मैंने रिक्वेस्ट की. और रामा नायडू जी का बात एक मैं ना हर वक्त मैं बोलता हूँ आप उसको रामा नायडू जी बड़े आदमी था सर. ही वाज ग्रेट मेकर और इसी वजह से आज वो तो उसकी बात तो इंस्टीट्यूट है. सुरेश जी भी बहुत अच्छे हैं. सुरेश नायडू जी भी वो हमारी पिक्चर आंध्रा वही रिलीज कर रहे हैं ये नमस्ते नेस्तमा. तो अभी मैं दिस नमस्ते नेस्तमा इज वन ऑफ माई फिल्म जो है जो मेरी एक सुपरहिट फिल्म थी तेरी मेहरबानियां जिसमें जैकी श्रॉफ और डॉग था. वो पिक्चर लैंडमार्क फिल्म थी मेरी आत्मा थी. और वो पिक्चर सर उस वक्त जब रिलीज हुई थी सागर के सामने लगी थी जीपी सीपी जी की रमेश सीपी जी की पिक्चर जिस कमला हसन और ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया का कॉम्बिनेशन था उसके सामने लगी. इट वॉज 100% ऑल ओवर इंडिया तेरी मेहरबानियां. सेकेंड वीक राम तेरी गंगा मिली ऊपर से पड़ी कपूर सा राज आर के की फिल्म फिर भी 100% था. उस पिक्चर से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंस्पायर्ड हूँ. तो अभी आपका जो जर्नी अभी तेलुगु सिनेमा के और भाई नमस्ते नेस्तमा जो आपकी हाल ही में कल आपका जो प्रेस प्रेस मीट हुआ और आपका प्रेस रिलीज भी हुआ है. हाँ सर. तो व्हाट इज द न्यू प्लंज इनटू द तेलुगु टॉलीवुड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ बाहुबली और साहो फैक्टर है या कुछ. आप बाहुबली क्यों सर आप मक्खी पिक्चर है मक्खी वाज प्योरली इंस्पायर्ड फ्रॉम तेरी मेहरबानियां. तेरी मेहरबानियां में कुत्ता रिवेंज लेता है उसमें मक्खी रिवेंज लेती है. अब बेटर तो सेम ही है ना. अभी चाहे हाथी बदला ले चाहे चूहा बदला ले चाहे कोई भी ले बेटर तो सेम ही है. तेरी मेहरबानियां ही सेम के मालिक को मारा वो मक्खी में भी उसको मारा वो जस्ट मक्खी के शेप में आके तो मक्खी भी हिट है वो भी हिट है. हिट वैसे नहीं होता सर. हिट आप होता है रेवेन्यू से. अगर मैं 5 करोड़ की फिल्म बनाता हूँ वो 10 करोड़ का रेवेन्यू है तो मेरी सुपर हिट है. और 500 करोड़ वाले का 1000 करोड़ नहीं होता. 500 वाला 600 करोड़ करता है तो उसको प्रॉफिट ऑफ द जो एवरेज है वो 20% का. मैं अगर 5 करोड़ की फिल्म 15 करोड़ करता हूँ मेरा 200% है. तो हिट वो होता है. हिट वो होता है कितना रुपया लगाया कितना. एक चीज 100 रुपये में लाते हैं 500 में बेचते हैं. एक 50,000 में लाके 51,000 में बेचते हैं उसमें क्या खुश होने का. तो आप हाल ही में जो आपका फिल्म है उसका 3 कुत्ते के ऊपर बेस्ड है और हाउ इजी वाज इट और हाउ टफ वाज इट टू इट वाज वेरी डिफिकल्ट एनिमल वेरी डिफिकल्ट एनिमल टू वर्क सर. आदमी को बोले आ तो आता जा तो जा बैठ जा कम गुस्सा कर ज्यादा कर. कुत्ते से डॉग से ये काम निकालना और यू सी माई दिस फिल्म यू विल बी सरप्राइज. ये इसमें लगता है किसी एक्टर की आत्मा है. हमारा एक शॉट था मैं एज ए डायरेक्टर मैंने बोला यार एक शॉट में और ले लेता हूँ. वो कुत्ता डॉग वहाँ से चल के इधर मेरे पास आया था. हम आपस में बात कर रहे थे कि यार एक शॉट और ले लेता हूँ. मैं पूछा यार किधर रॉकी शेरू नाम था कुत्ते का. मैं शेरू किधर है यू ट्रस्ट मी यार शेरू इज देयर जहाँ से शॉट शुरू हुआ. इतना समझता है. मैं उसको बोला इसमें तो कोई आत्मा एक्टर की आत्मा है बॉस. तो अदरवाइज एक आदमी है डायरेक्टर ने बोला कुत्ते को मालूम वहां जाके खड़ा हो गया जहां से शॉट. इतना अंडरस्टेबल. एक्चुअली 2 कुत्ते थे डबल रोल है कुत्ते का. एक कुत्ता इंडिया का था दूसरा वो लंदन से लाके हमारे पास लेके आया. यही हैदराबाद में ही शूटिंग होनी थी. वो सब गोरे लोग आके बोले सर इट्स डिफिकल्ट टू शूट हियर इट्स वेरी हीट. देखिए यार 30 डिग्री तो इट्स नॉट दैट मच. हीट इज इन राजस्थान 50 डिग्री. नो यार बोले यू आर विदाउट शू यू डोंट नो the leg without this we can't shoot it. He went back. फिर हमने we have waited till climax. फिर नहीं हुआ हमने जाके shift किया जयपुर वहाँ राजस्थान में shoot किया क्लाइमैक्स को. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. उनके कुत्ते के कुत्ते कुत्ते तो बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता. डॉग के मूड से शॉट लगाना पड़ता था उसका इंतजार करना पड़ता था. उसके लिए आपको पैसा ही चाहिए. इसलिए मुझे 100 दिन लगे. नॉर्मली 40 दिन में पिक्चर बन जाती है. कितना खर्चा होता है मुझे मालूम सर. खर्चा तो सेम लगना है चाहे आप एक्टर खड़े हो चाहे वही यूनिट है वही सब कुछ. बट आई एम सो कंफर्टेबल सो हैप्पी. और मुझे एक पक्का मालूम है बड़े से बड़ा एक्टर फेल हो सकता है लेकिन कुत्ता फेल नहीं होता.
जानवर तेल नहीं होगा। केसी बोकाड़े जी को आगे जाके काफी तेलुगु फिल्म्स प्रोड्यूस करें नहीं सर, मैं हर भाषा में करूंगा और मेरा को तेलुगु तो मेरा कोई फर्क नहीं। मैं आई यूज्ड टू बी इन तमिल ना, तमिल तेलुगु हिंदी सब तो भाई भाई है सर, और सब हमारे कॉमन फ्रेंड है। और यहाँ मिलके मुझे सबसे इतना अच्छा लग रहा, दे आर रियली सब अच्छे लोग है, अच्छे लोग हैं, उनका एटीट्यूड अच्छा, उनका काम करने का तरीका अच्छा, बात करने का। तो आई होप कि मैं साल में एक दो पिक्चर तेलुगु बनाता रहूं। देयरफॉर आई नीड योर ब्लेसिंग, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ मशहूर निर्देशक, प्रोड्यूसर और बड़ा फिल्म मेकर केसी बोकाड़िया जी। हाल ही में हमारे तेलुगु में नमस्ते नेस्तमा इनकी फिल्म की पोस्टर रिलीज और प्रेस मीट हुई है। तो उनके साथ बातचीत के साथ हम पता चला कि आप आगे जाके काफ़ी तेलुगु फिल्म्स भी प्रोड्यूस करने और निर्देशक करने वाले हैं। अगले शिक्षक के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।